नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप देख रहे हैं कार पार्ट सिनिसार। आज आपको एक खास चीज़ बताते हैं। अभी पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के मुताबिक लोग कहना चाहते हैं कि टाटा की गाड़ियाँ काफ़ी सॉलिड बॉडी बनाती हैं, और ये सच भी है। टाटा का जो आगे का टाई मेंबर या पीछे का टाई मेंबर होता है, ये बहुत सॉलिड स्टील से बनाया जाता है। अदर इसकी गाड़ियों में देखें और किसी गाड़ियाँ जैसे मारुति हो, हुंडई हो और वॉल्सवैगन हो गई, ये सभी गाड़ियों में टाई मेंबर प्लास्टिक, मारुति में तो बिल्कुल हल्का पतरा होता है। चलिए मैं आपको कुछ पतरे दिखाता हूँ। तो ये तो है, देखो पोलो का, ये इको स्पोर्ट का नीचे पड़ा है पोलो, ये सब प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक, ऑल टोटली प्लास्टिक। पोलो ओरिजिनल में प्लास्टिक, और अगर हुंडई में दिखाता हूँ आपको अभी, ये कितना पतला है देखो, बिल्कुल हल्का पतला। ये अपना है इनियोस का। तो ये है भाई साहब टाटा का इन टाई मेंबर, एकदम सॉलिड पतरा होता है टाटा का, देख सकते हो आप। तो ये होता है मारुति के पुर्जे, पतले पतले और छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ही टाई मेंबर तैयार होता है। आप देख सकते हैं कितने पतले पतरे हैं। अब ये जैसे सेंटर पैनल है, साइड का पैनल, ये अपर पैनल, देखो कितना पतला है। तो ये मारुति ये पतरे जोड़ जोड़ के बनाती है। बम्पर का स्पोर्ट पैनल होता है देखो, इसी से ये बहुत पतला क्वांटिटी में बनाया होता है, पतला होता है। अब ये देख लेते हैं कितने पतले हैं, ये शिफ्ट का है तो मारुति का पतरा बहुत हल्का। तो ये प्लास्टिक के और मारुति के जैसे पतले पतरे होते हैं, इनको ऐसा बनाया गया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो तो ये आगे ही सबको सहन कर ले, पीछे कैबिन तक ना जाने दे। लेकिन ये भी कुछ लिमिट के अनुसार होती है, 60-70 किलोमीटर की रफ्तार रफ्तार से तो ये सह लेंगे, लेकिन जब गाड़ी 120, 130, 140 और 160 तक पहुंच जाती है तो ये वेग को नहीं रोक पाते। अब जैसे आपने टाटा की वीडियो देखी थी, तो टाटा की वीडियो में स्पीड इतनी नहीं होती, अगर ज़्यादा स्पीड हो तो ये भी पिचक सकते हैं। तो गाड़ियाँ जो बनाई जाती हैं वो स्पीड लिमिट के अनुसार ही वो सह पाती है एक्सीडेंट को। दरअसल स्पीड लिमिट होनी बहुत ज़रूरी होती है। मारुति और टाटा तो फिर भी चलो क्वालिटी में थोड़ा, क्वालिटी में टाटा काफ़ी हाई है और मारुति थोड़ी लो हो जाती है, और पोलो तो बिल्कुल ही प्लास्टिक है क्योंकि इन टाई मेंबर के अंदर ही हमारा रेडिएटर, कंडेंसर और फैन असेंबली, इंटरकूलर और बाकी सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड है। हमने हेडलाइट होगी, बम्पर हो गया, बम्पर का स्पोर्ट हो गया, सब कुछ इसी पर अटैच होता है। तो आपने ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।